सतवास तहसील के काटाफोड़ में रविवार को युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना परिसर में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष अर्पित जायसवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के विरुद्ध बिना जांच असत्य आधारों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण को निरस्त किए जाने के संबंध में थाना परिसर में पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम काटाफोड़ थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह गौड़ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य मनोज होलानी सहित कांग्रेस नेता एवं युवक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन युवा नेता अभिषेक भट्ट ने किया। सतवा से जीतू सिंगी की रिपोर्ट। आज हम हमारे से युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत जी भूरिया जिनके ऊपर सांसद द्वारा गुमान सिंह जी रावण के द्वारा विरुद्ध उनके उनके विक्रांत भूरिया जी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है जो कि प्रथम दृष्टा में असत्य है। इसको हम मतलब ज्ञापन के माध्यम संदेश देना चाहते हैं कि हम सरकार को राज्यपाल महोदय को एसटीएम महोदय को कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उनको वापस ले, नहीं तो युवक कांग्रेस पूरे प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।